अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और गैसेस में भी कौन सी? O2 एंड CO2। और सेकंड काम होता है इसका ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन हम किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा का दो मेन फंक्शनिंग है, एक तो गैसेस को एक्सचेंज करना और सेकंड लॉस ऑफ वाटर को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब जो स्टोमेटा होता है इसके अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल्स। ये जो आपको किडनी बीन्स की तरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और इसका मेन काम क्या होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम किसका होता है? गार्ड सेल का। इसी तरह से यहाँ जो आपको सेंटर में दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। जब आपकी गार्ड सेल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो आपका स्टोमेटल पोर इंक्रीज हो जाता है, जब आपका जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। और इसी में ही गार्ड सेल के अंदर जो है आपका प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये था हमारा स्टोमेटा के बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस एक्चुअल में होती कैसे है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये मान लो हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ से नीचे आपकी रूट्स, और यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं एक लीफ को। तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है? मेनली लीफ में भी। और अगर पर्टिकुलरली पूछे तो लीफ में भी कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जिस लेयर में पाया जाता है उस लेयर को बोलते हैं हम पेलीसाइट मेसोफाइल लेयर। तो एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी कहाँ होती है? मेसोफाइल सेल के अंदर। अब देखिए मेन जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो क्या है आपका? CO2 एंड H2O। CO2 सराउंडिंग से मिल जाता है, और जो H2O है वो हमें कहाँ से मिल जाता है? ग्राउंड से। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए? CO2, H2O, और थर्ड क्या चाहिए हमें? लाइट। और लाइट हमें कहाँ से मिल जाती है? सन से। तो प्लांट्स किस तरह से अपना फूड बनाते हैं? सराउंडिंग से CO2 लेते हैं, ग्राउंड से वाटर लेते हैं, और सनलाइट जो कि हमें सूरज से मिल जाती है। तो जो लीफ है अपना प्रोडक्ट जो है किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये प्लांट जो है अपना खाना बना लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और जो ग्लूकोज है इसको ही हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और साथ में क्या रिलीज करते हैं? O2 का यूज़ कौन करते हैं? हम लोग। बैलेंस आप लोग खुद कर लेना। मेन क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2, H2O और सनलाइट। अब देखिए प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही लीफ जो है सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो उसमें जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, तो वो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है? उस सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। और जब क्लोरोप्लास्ट उस सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है उस सनलाइट को ये क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी जो सनलाइट है या कोई भी एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? आपकी ATP, यानी कि केमिकल एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? ATP। तो जो सनलाइट है वो किस में कन्वर्ट होती है? ATP में, यानी कि केमिकल एनर्जी में। और जो प्लांट्स है यानी कि लीव्स है बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और जो आपका लीफ है प्लांट है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ये भी याद रखना, स्टार्च की फॉर्म में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च फॉर्म में। और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो आपका H2O वाटर मॉलिक्यूल है ये भी ब्रेक होता है इनटू H2 एंड O2। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो यहाँ पर CO2 है ये अंडरगो जाता है अंडर रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होता है। तो ये चार स्टेप्स होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा।